गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चरर अशोक कुमार ग्रोवर चैनल में। आज हम जो नया लेसन करने जा रहे हैं वो स्टोरी है द गिटार प्लेयर बाय सुनीति नाम जोशी। सुनीति नाम जोशी लेडी राइटर जो इंडिया में पैदा हुई, फिर कनाडा चली गई। शी लेफ्ट फॉर कनाडा, देयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। टुडे यू कैन से दीज डेज शी इज लिविंग, कहाँ रह रही है वो, यूके में। उसे जो बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारी उसकी स्टोरीज किसके ऊपर हैं कि जो लेडीज़ हैं उनका जो टैलेंट है उसकी समाज में रिस्पेक्ट किस प्रकार से हो, जो फीमेल को सेकेंडरी स्टेटस मिलता है समाज के अंदर, उसको सेकेंड टाइप का क्रिएचर माना जाता है, इक्वल स्टेटस नहीं उसको, मेल के बराबर नहीं स्टेटस उसका। उसके ऊपर से बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं कि दिस इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें किस तरह से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो सके, किस प्रकार महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा मिल सके, ये सारी स्टोरीज की उसके थीम है, लेसन है, मेन बातें हैं। तो आज ये स्टोरी भी जो है द गिटार प्लेयर, इसमें क्या है कि एक लड़की है, शी वॉज प्लेइंग ऑन हर गिटार, ए गर्ल प्लेड ऑन गिटार, गिटार बजा रही थी और पास में जो है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल सराउंडिंग है, वाटर फॉर्म है, फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे, यानी झरना चल रहा था, पानी हवा में उड़ रहा था, नीचे गिर रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। लड़की जो है गिटार बजा रही थी, हुआ क्या कि टू पासर्स बाई पास दैट वे, दो राहगीर जो है वो उस रास्ते से गुजरे, टू पासर्स बाई लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर, उन्होंने उस लड़की के म्यूजिक को सुना, लड़की से उनको प्रेम हो गया, उसके प्यार में पड़ गए वो। तो लड़की जो है, लड़की ने पहले पासर भाई से पूछा, राहगीर जो पहला था लड़का, इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी, क्या तुम प्रेम करते हो मेरे म्यूजिक से या मुझसे। तो लड़का क्या बोलता है, आई डोंट नो वट इज द राइट आंसर, मैं नहीं जानता सही उत्तर क्या है। तो लड़की कहती, उसने बताया नहीं, लड़की ने कहती, शांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है आपका। उसके बाद फिर दूसरा राहगीर गुजरा, उसको भी प्यार हुआ, तो उसने, लड़की ने उससे भी पूछा, इज इट मी यू लव और माई गिटार, तुम प्यार करते हो मेरे से या मेरे गिटार से। वो लड़का क्या बोल रहा दूसरा, वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, एक सुंदर उपकरण है, वट इज द राइट आंसर, मुझे नहीं पता। तो लड़की कहती है, ये उत्तर सही नहीं है, बट शांट आई टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब दोनों जो राहगीर थे देवर परप्लेक्स्ड, उलझन में पड़ गए, घर चले गए अपने। द होल नाइट जो गिटार का, लड़की के गिटार का जो म्यूजिक था वो उनके दिमाग में चलता रहा, द म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स होल नाइट, पूरी रात जो है म्यूजिक बजता रहा उनके दिमाग में। नेक्स्ट डे जब वो आए, ऑब्वियस था, क्लियर था कि अपने उत्तर वो लेकर आए हैं। तो दोबारा अगले दिन वो आए, तो पहला रागी ने आंसर क्या दिया, आई वुड लव यू इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नॉट ऑफ म्यूजिक, ये पहले रागी का आंसर था कि मैं आपसे प्रेम करूंगा, इवन इफ, भले ही कहता है यू कुड नॉट प्ले ए नॉट ऑफ म्यूजिक, भले आप म्यूजिक का एक नोट भी ना बजाए, म्यूजिक बिल्कुल ना बजाओ तो भी मैं आपसे प्रेम करूंगा। दूसरा रागी क्या बोलता है, आई वुड लव यू इवन इफ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, कि मैं तुम्हें प्रेम करूंगा भले तुम्हारे पास एक गिटार भी ना हो, ये आंसर दूसरे का था। तो लड़की कहती है, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो बोलते हैं कि भी हमारा उत्तर गलत है, वो कहते हाँ, तो कहते फिर वो बोले सही उत्तर क्या है। तो लड़की क्या बोलती है, यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, देखो जब लड़कों ने ये दिया जवाब, तो लड़की क्या बोलती कि किस प्रकार का प्यार तुम मुझसे करते हो, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं एक संगीतकार हूँ। तो क्या बोलते, फिर वो कहते राइट आंसर क्या है, वो कहते हैं यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर, आपको मेरे को प्यार करना चाहिए पूर्णतः, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से, जस्ट एज आई एम, जैसा कि मैं हूँ, ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे सारे उपहारों से गिफ्ट्स से, ऑल माई पोजेशंस, जैसे का मतलब जो चीज़ें मेरे पास हैं, चाहे गिटार है कुछ भी है, उससे भी आपको प्रेम करना चाहिए, एवरीथिंग, हर चीज़ से, आई हैव बीन, जैसा मैं हो चुकी हूँ, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और कहता है इसके बाद मैं जैसा भी आगे बनूंगी, चाहे मेरा जैसा भी टैलेंट निखरेगा, जिस तरह से मैं रहूंगी, आपको मेरे से प्रेम करना होगा, ये असली प्रेम, अगर आपका ये आंसर होता तो ये मान लेती तुम मेरे से प्रेम करते हो।
तो लड़के कहते हैं क्या हमने फिर इसका मतलब, तो लड़के क्या बोलते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। दोनों इकट्ठे चिल्लाए जो पासर्स भाई थे, तो लड़की कहते यस, और लड़की जो है सहमत हो गई, एग्रीड, और उसने एक सैड ट्यून बजाई, उदासी भरी ट्यून बजाई, जो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन थी। ओकेजन क्या था कि दोनों लड़कों का प्यार असफल हो गया था, उदासी भरा माहौल था, तो लड़की ने सैड ट्यून बजाई उस ओकेजन के अनुकूल, उसको सूट करने के लिए। ये पहली स्टोरी है। तो पूरी स्टोरी में क्या दर्शाया गया कि जो औरत की, जो औरत का जो टैलेंट है, जो फीमेल का टैलेंट है, उसको मेल को उस टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो पुरुष प्रधान समाज है, भले ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इस समाज में जो टैलेंट्स है लेडीज़ का, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो वो यहाँ ये समझाना चाह रही है कि एक औरत का जो टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उसको समाज में पुरुष के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, समाज में जो स्त्री पुरुष का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। उम्मीद है स्टोरी आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।